हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल निया एंड हर मॉमी में। दोस्तों, आज भी मैं हमेशा की तरह आपके लिए कुछ किचन टिप लेके आई हूँ, जो आपका काम भी आसान करेगी और साथ साथ आपका पैसा और वक्त भी बचाएगी। दोस्तों, अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, एंड चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। मेरी पहली टिप लहसुन से रिलेटेड है। अक्सर आपने देखा होगा कि जब भी मार्केट में लहसुन के प्राइजेस कम होते हैं तो हम भारी मात्रा में लहसुन खरीद के ले आते हैं, बट उसे स्टोर करना बड़ा ही मुश्किल काम है और उसको ऐसे ही टोकरी में बाहर रख दिया तो वो कुछ दिनों बाद ख़राब हो जाते हैं। तो इसके लिए मैं आपके साथ एक बेहतरीन ट्रिक शेयर करने वाली हूँ, इससे आपका लहसुन ख़राब भी नहीं होगा और काफ़ी दिनों तक टिका रहेगा। इसके लिए आपको कोई भी बिस्लरी या कोल्ड ड्रिंक की खाली बोतल ले लेनी है और उसको इस तरह का कट कर लेना है जैसे मैं कट कर रही हूँ। उसके बाद सारे लहसुन को आपको बोतल में अच्छी तरह से भर लेना है। सारे लहसुन बोतल में भर देने के बाद बोतल को मैं जैसे पैक कर रही हूँ वैसे ही पैक कर दीजिए। आप चाहे तो जहाँ से बोतल कटी हुई है वहाँ पे सेलो टेप भी चिपका सकते हैं या कोई रबर बैंड भी लगा सकते हैं। और कोई रबर बैंड या सेलो टेप नहीं लगा रहे हो तब भी ये बोतल वैसे की वैसे रहेगी, निकलेगी नहीं। अभी ये बोतल रेडी है फ्रिज में स्टोर करने के लिए। अगर आप लहसुन को डायरेक्टली स्टोर करते फ्रिज में तो ज़्यादा स्पेस भी लगती और जो लहसुन की स्मेल है वो सारे फ्रिज में फैल जाती। इस तरीके से आपको स्पेस भी कम लगेगी और आपका लहसुन काफ़ी दिनों तक टिका रहेगा, अच्छा रहेगा। आई होप फ्रेंड आपको ये मेरी टिप अच्छी लगे तो ज़रूर मुझे कमेंट करके शेयर कीजिएगा। आपने अक्सर देखा होगा कि कोई अचार के बोतल को धोने के बाद उसमें अचार की स्मेल आती है, या किसी बोतल में हम लहसुन स्टोर करते हैं और वो ख़त्म होने के बाद बोतल धोने के बाद उसमें भी लहसुन की स्मेल रह जाती है, और उस बोतल में हम कोई भी चीज़ स्टोर करें तो उसमें वो स्मेल लग जाती है या वो चीज़ ख़राब हो जाती है। इसके लिए आपको क्या करना है, उस बोतल में या कंटेनर में न्यूज़पेपर के बॉल बना के अच्छे से उस बोतल को पैक कर दीजिए जैसे मैं पैक कर रही हूँ, और उसका ढक्कन लगा के उसको एक दिन के लिए या कुछ घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए। मेरी नेक्स्ट टिप चाकू और कैंची से रिलेटेड है। अगर इन चीज़ों की धार चली गई तो ये अच्छे से वर्क नहीं करते। इसके लिए क्या करना है, आपको एक कोई आपका चाय पीने वाला पुराना कप ले लेना है और उसको उल्टा कर देना है, और उस पर आपको आपके कैंची को और चाकू को अच्छी तरह घिस लेना है। और दोस्तों, जब भी आप इस ट्रिक को आजमाओगे तो थोड़ा सा केयरफुल होके इस ट्रिक को यूज़ करना, नहीं तो आपका हाथ कटने का, नहीं तो आपको ये चाकू चुभने का बहुत ज़्यादा डर है। ये थोड़ी सी टाइम टेकिंग प्रोसीजर है बट रिजल्ट बहुत अच्छा है। तो चलो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टिप की ओर। आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी हम बर्तन में दूध स्टोर करते हैं तो उसके किनारे पे और अंदर थोड़ी सी मलाई चिपक जाती है। इसके लिए आपको क्या करना है कि जब भी आप दूध को बर्तन में डालें तो उसमें पहले थोड़ा सा पानी डाल दें, उसके बाद उस बर्तन में दूध डालें। इससे क्या होगा कि आपके दूध में मलाई भी बहुत ज़्यादा गाढ़ी आएगी और आपका दूध इस बर्तन में चिपकेगा नहीं। मेरा नेक्स्ट टिप इस दूध वाले बर्तन से रिलेटेड है। आप देख सकते हो कि इस बर्तन में कितनी सारी मलाई चिपकी हुई है। आपको वो मलाई वेस्ट नहीं करनी है, आप उस बर्तन में थोड़ा सा आटा डाल दीजिए और उस आटे को अच्छी तरीके से भिगो लीजिए। आप देख सकते हो मैं उसी बर्तन में आटा भिगो रही हूँ। इस आटे की रोटियाँ खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनती है। एक बार इस ट्रिक को ज़रूर ट्राई करके देखिए।
अक्सर आपने देखा होगा कि जब भी हम दूध को गैस पे बॉईल करने के लिए रख देते हैं तो अगर हमारा ध्यान न रहा तो दूध बर्तन के बाहर निकल जाता है और हमारा गैस स्टोव है वो खराब हो जाता है। इसके लिए आपको क्या करना है, जब भी आप दूध को बॉईल करें तो उसमें एक स्टील की छोटी सी कटोरी डाल दीजिए, नहीं तो एक छोटी सी प्लेट डाल दीजिए। इस ट्रिक से आपका दूध अच्छी तरह से बॉईल भी हो जाएगा और आपका गैस स्टोव भी खराब नहीं होगा। तो चलो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टिप की ओर। कई बार क्या होता है कि हमारा आटा बच जाता है और हम उसे फ्रिज में स्टोर करते हैं और वो कुछ देर बाद काला पड़ जाता है। वो काला ना पड़े इसके लिए आपको क्या करना है, उसे जब भी स्टोर करें तो एक एयरटाइट कंटेनर में ही स्टोर करें और जब भी आप आटा भिगोगे तो फ्रिज के ठंडे पानी से आटा भिगोना, तब भी आपका आटा बिल्कुल भी काला नहीं पड़ेगा। मेरी नेक्स्ट टिप चाय पत्ती और चावल के पानी से जुड़ी हुई है। हम हमेशा ही चाय होने के बाद जो बची हुई चाय पत्ती है और चावल धोने के बाद जो चावल का पानी रहता है उसे सिंक में या डस्टबिन में फेंक देते हैं। तो हमें इसे फेंकना नहीं है, हमें इस पानी को और इस चाय पत्ती को पौधों में डालना है। इससे हमारे पौधों की अच्छी ग्रोथ होगी और उसके लिए अच्छी खाद तैयार होगी। इसके अलावा चावल का पानी हमारे हेयर ग्रोथ के लिए भी बहुत अच्छा है। इससे हमारी हेयर बॉल की प्रॉब्लम कम हो जाएगी और हमारे बालों की हेयर ग्रोथ होगी। मेरी नेक्स्ट टिप आयरन वाले तवे से रिलेटेड है। अक्सर आपने देखा होगा कि जो आयरन वाले तवे होते हैं उस पे ना जंग चढ़ जाती है अगर हम उस तवे को धोने के बाद अच्छे से साफ ना करें। इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तवे को गर्म कर लेना है, उसके बाद उसमें थोड़ा सा पानी डाल दीजिए और एक मिट्टी का दिया ले लीजिए और उस दिए को आपको अच्छी तरह से उस तवे पे घिस लेना है। अगर आपका तवा ज़्यादा ख़राब है, उस पे ज़्यादा जंग चढ़ी है, तो आप उस पे थोड़ा सा बेकिंग सोडा और नींबू भी ऐड कर दीजिए। वैसे तो तवा साफ़ करने के लिए बहुत सारी ट्रिक है, आप चाहे तो कोलगेट से साफ़ कर सकते हो, उससे भी आपका तवा बहुत अच्छी तरह साफ हो जाएगा। आप देख सकते हो कि मैंने अब तवे को धो लिया है, उसे ऐसे ही रख मत दीजिए, उसे एक कपड़ा लेके अच्छे से साफ कर दीजिए। उसके बाद थोड़ा सा ऑयल तवे पे डाल दीजिए और एक टिश्यू पेपर की हेल्प से तवे को अच्छी तरह ग्रीस कर लीजिए। इससे आपका तवे पे जंग नहीं चढ़ेगी और आपका तवा अच्छा रहेगा। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।